नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और कई मंत्रियों के साथ दरभंगा के राज मैदान में एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। वहीं अपने भाषण के शुरुआत में पीएम ने मिथिला वासियों का उनकी भाषा में संबोधित करते हुए मिथिला की संस्कृति, ज्ञान, पान और मखान की यादें दिलाई। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान ये समृद्ध ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साथ ही पीएम ने अपनी योजना के बारे में भी जनता को बताया। मजबूत होना चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार मजबूत बना के लिए प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए, चौकीदार मजबूत होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आजकल जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं, 40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री। वहीं पीएम ने महागठबंधन को महामिलावट के नाम से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों के आतंकवाद नहीं दिखता है, बल्कि आतंकवाद ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दरभंगा ने भी आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है। भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी वंशवादियों को नहीं है। मुंगेर में तेजस्वी यादव के सभा में टूटा मंच, बाल बाल बचे तेजस्वी यादव। जानकारी के मुताबिक मुंगेर के चरवा विद्यालय में चल रहे चुनावी सभा में तेजस्वी यादव के मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के चुनाव प्रचार के दौरान हुई यह घटना। साथ ही स्टेज पर बांका के सांसद जयप्रकाश यादव भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पटना में एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से नामांकन किया। साथ ही उन्होंने नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विकास के मुद्दों पर लड़ रहा हूं और चुनाव भी जीत कर दिखाऊंगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने नामांकन से पहले पटना हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंच अपना नामांकन दर्ज कराया। हम विकास के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, विकास के एजेंडा पर वोट मांग रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश को ताकत बढ़ाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, गांव गरीब के।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में उनकी तस्वीर लेकर नामांकन करने पहुंची। हालांकि मीसा भारती के साथ में उनकी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनके साथ मौजूद दिखी। वहीं नामांकन के बाद मीसा भारती ने कहा कि विकास के नाम पर वादा करने वाली एनडीए की सरकार को इस बार लोगों ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। देखिए, इस बार जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है और खास तौर पे बिहार की जनता है, मन बना चुकी है कि एनडीए गठबंधन को उखाड़ के फेंक देना है। क्योंकि जितने इन लोगों ने वादे किए, आप विकास की बात करते हैं, आप जब गांव में जाएंगे आपको विकास दिखेगा कि किस तरह का क्या विकास हुआ। युवा इनको ढूंढ रहा है, महिलाएं इनको ढूंढ रही हैं, किसान ढूंढ रहा है, जो बेरोजगार नौजवान है अपने रोजगार के सवाल पे ढूंढ रहा है। जब जब चुनाव आता है, ये मंदिर और पाकिस्तान की बात करते हैं। युवा कह रहे हैं हमें पाकिस्तान और मंदिर की बात नहीं चाहिए, हमें अपने रोजगार। वहीं पटना में मीसा भारती के नॉमिनेशन की बात को लेकर पत्रकारों ने जब राजद नेता तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पाटलिपुत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। मीसा भारती के खिलाफ पहले भी कोई चुनौती नहीं थी और आज भी नहीं है। जनता भारी मतों से पाटलिपुत्र की सीट से मीसा भारती को विजय बनाने का काम करेगी। मुझे कोई चुनौती नहीं रहेगा। मैं नीचे रिपब्लिक भाई, पाटलिपुत्र की सीट हो या अन्य जगहों पे कहीं भी महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, इस बार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और पूरा हमको जनता में विश्वास है कि हम लोगों को इस बार भारी बहुमत से हम लोगों को विजय बनाने का काम करेगी बिहार। बिहार के बेगूसराय सीट से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। बिहार की धरती को आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ। दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी के चुनाव प्रचार में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने वादित बयान दिया है। आपको बता दें कि कुशवाहा ने कहा, जैसे रामलीला में सीता मैया को देख सब सर झुकाते हैं, पर वहीं सीता मैया पर्दा गिरने के बाद पर्दे के पीछे सिगरेट पीती हैं। ये मुल्क में भाईचारा, मुल्क में नहीं बोलता जाके प्रचार करता। हम लोग दो एक लाइन में हम अपनी बात करके खत्म करते। भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का झूठा प्रमाण देवी के रूप में, यही भारतीय जनता पार्टी तो देवी वाला जो रूप है वो जनता के सामने आते हैं लोग, मंच पर आप लोग देखते हैं, और सिगरेट वाला रूप हम अंदर देख कर आए हैं। दिल्ली में हम थे, मंत्री थे उनके साथ, वो अंदर हम देख कर आए हैं। और कभी कभी प्रदर्शन भी लोग करते हैं, हमारे साथ ही मंत्री अभी मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बेगूसराय से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान नहीं देगा। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, महागठबंधन बन गया, सन्ना उपलाल उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी कांग्रेस पार्टी लालू यादव जी को है, अब हम लोग मिलकर आपको रेगिस्तान भेजेंगे, आपके लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। मुंगेर रवाना होने से पहले गिरिराज सिंह के दिए बयान पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के किसी भी बयान का लोजपा समर्थन नहीं करती है और ये गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और मैं आपको सलाह देता हूं कि लालू जी के मामले को लेकर कोर्ट में काउंटर केस करें।
देखिए खैर इस तरीके के किसी भी बयान का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती है, और चुनाव में मैंने हर बार मैंने इस बात को कहा कि भाषा की मर्यादा को बरकरार रखना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी बढ़ती है तो कई बार इस तरीके के बयान मुझे लगता है कि शायद व्यक्ति खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता हो, पर फिर भी इस तरीके के बयान मुँह से निकलते हैं। बट बहरहाल किसी भी इस तरीके के बयान को, और मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी नहीं इवन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, अमित शाह जी को मैंने कई बार देखा है अपने नेताओं को जब जब उन्होंने इस तरीके की कोई भी बयानबाजी की है उस पर अमित शाह जी ने खुद संज्ञान लिया है। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि उनको चिंता किस बात की, अगर उनके पास कोई ऐसी, कभी वो बोलते हैं कि उनको जहर देने का काम किया जा रहा है, कभी वो भी तब बोल रहे हैं खाने में मिला के, जबकि उनके लिए खाना बाहर से आता है, तो भैया कौन उनको जहर दे रहा है, गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है। हर चीज़ की एक न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आपके पास कहीं तथ्य आपको लगा कि उनके साथ कहीं गुंडों जैसा बर्ताव किया, आप लिखित में दीजिए ना, आप न्यायालय में दीजिए, जाके केस फाइल कीजिए अगेंस्ट में, आप एक काउंटर केस फाइल कर दीजिए ना कि उनके साथ इस तरीके। पटना साहिब लोकसभा भाजपा प्रत्याशी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना सिटी की कई जगहों पर जनता को संबोधित किया और किसानों के साथ सामूहिक भोज में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि किसानों के बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश मजबूत हुआ है, इसलिए आप सभी मोदी के हाथों को मजबूत कर देश को मजबूत बनाए। आपके बैंक में आप लोग के हर के हाथ में मोबाइल होगा, ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, दुनिया से आपको जोड़ा है, कहीं भी रहिए दुनिया आपके पास, ये बर्ताव हम कर रहे हैं और यही बर्ताव करेंगे। मैं आपके बीच में हूँ, आपके बीच में रहूंगा, हम जहां जहां जा रहे हैं अब तक राजस्थान गाँव के लिए वहां के जब किशोर जी हमको बहुत खटाते हैं, जितना खटाते हैं कटाव करेंगे। पांच छह गांव में मुझे एक ही बात पूछी गई, दस साल कहा लगा हो कटर। रोहतास में जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार की पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी डेहरी विधानसभा के उपचुनाव में इंजीनियर ललन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही आज अपने प्रत्याशी के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा में शामिल होने आए, बता दें कि जिसमें उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा। मुंगेर में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई ने बैठक की, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के लखीसराय में वित्त रहित शिक्षा नीति पर दिए बयान पर नाराजगी जाहिर की है। शिक्षकों का कहना है कि सीएम ने वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को खुली चुनौती देने के साथ ही वित्त रहित शिक्षकों के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आज का मुख्य बैठक का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में वित्त रहित शिक्षक के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, उस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा जो कहा गया अपमानजनक बात कहा गया कि वित्त रहित शिक्षक को जो है गो का ज्ञान नहीं है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के वहां प्रदर्शन किए थे, जब मुख्यमंत्री पहली बार जदयू की सरकार बनी थी अपने घोषणा पत्र में वो दिए थे कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करेंगे, और हमने आज तक उन लोगों को जदयू सरकार को अपना समर्थन देते आए हैं। पीएमसीएच में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिशु के बढ़ते मृत्यु दर को लेकर होने वाली कमियों का समाधान करने के लिए कई प्रमुख बिंदुओं पर पीएमसीएच प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक की। वहीं पीएमसीएच के अधीक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप मेरी तस्वीर उतार रहे हैं ना? मेरी तस्वीर उतार रहे हैं ना? कृपया करके पहले पूछिए तो कि आप मेरी तस्वीर उसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज में 44% मृत्यु दर है और प्रति हज़ार एडमिशन, और गया में 48, पटना में 40, उस पर परिचर्चा करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कि कैसे इस मृत्यु दर को कम किया जाए, आज केंद्र सरकार की टीम आई हुई थी। जिस पॉलिसी होना चाहिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं घर सट्ठे होता है, वो नहीं होना चाहिए, इसका एक रैशनल यूज़ होना चाहिए, एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये बताई है। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जो
जो लड़के बच्चे छोटे पैदा होते हैं, नवजात जो पैदा होते हैं, उनका नामांकन नहीं होता है। उनका कहना था कि हर न्यू बॉर्न चाइल्ड को आप एडमिट कर लीजिए अस्पताल, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक शिशु के जन्म के ऊपर अस्पताल को भी अगर शिशु स्वस्थ है तो 300 रुपये मिलता है, जो पटना मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहा है, जो आपको मिलेगा। मोतिहारी में नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने दुर्लभ सांप बरामद किया है, जिसे तस्कर नेपाल से लाया जा रहा था। संदेह के आधार पर जवानों ने तस्कर की जांच की और सांप को बरामद किया है। वहीं एसएसबी के जवानों ने सांप को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने रेंजर ने कहा कि तस्कर सांप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है, जिसकी कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। एसएसबी 20 बटालियन जो है बी कंपनी के द्वारा जो है कि कुनमा चैनपुर में उसका है, ई है क्या बीओपी है, तो वो जो है कि सूचना उसको मिला, एसएसबी की सूचना मिला वहाँ का जो एएसआई है कि क्या संजय नाम है, तो अपना जो है कि आदमी के साथ भेज करके एक मंदिर है बजरंग बली का मंदिर पूछियो काट ले लम जड़ी उड़ी बनावे खातिर दवाई दे कौन सी दवाई दामा के और कवा के मेरस के। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में बीती रात गश्ती के दौरान ट्रक ने एएसआई को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया है। बता दें कि नूरसराय थाना में पदस्थापित एएसआई लोकसभा चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान में निकले थे। वहीं उनकी मौत से पूरा पुलिस महकमा में शोक की लहर दौड़ गई है। राजधानी पटना के होटल मौर्य में आयुष्मान भारत योजना के समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सीईओ डॉक्टर इंद्रभूषण सहित बिहार के तमाम जिलों से आए सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कार्यक्रम में शिरकत किया। और उसके बाद से अब तक हमारी कोशिशों से आप सबकी मैं उनके साथ यहाँ पर एक दिन गुजारने का मौका मिल रहा है। डिप्टी सीईओ साहब डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी भी, एनएचएस से श्री रोहित झा जी हैं हमारे साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। और जैसे कार्यवाही शुरू करें, मेरा आग्रह है साथियों से कि स्वागत की वेला में बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार।